दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक फेमस टीवी सीरियल है जिसे हर घर में देखा जाता है। और अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो हाल फिलहाल नट्टू काका का रोल घनश्याम नायक कर रहे थे, पर उनकी मृत्यु के बाद ये रोल किरण भट्ट को दे दिया गया। किरण भट्ट भी इंडिया के एक फेमस एक्टर, डायरेक्टर और इसके साथ साथ प्रोड्यूसर भी हैं। और हाल फिलहाल ये हमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी सीरियल में नट्टू काका का रोल करते दिखाई दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किरण भट्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं इनकी बायोग्राफी से। इनका जन्म 1 जून 1950 को मुंबई में हुआ, जो कि महाराष्ट्र में है। और 2022 के हिसाब से इनकी एज है 72 ईयर्स। इनकी हाइट है 5 फीट 5 इंच और वेट है 68 केजी। किरण भट्ट ने अपना करियर एज अ थिएटर आर्टिस्ट शुरू किया था। और 1995 में ये हमें एक बॉलीवुड फिल्म रंगीला में भी दिखाई दिए थे। और 1998 में ये हमें एक और बॉलीवुड फिल्म सत्य में भी दिखाई दिए। 2000 में इन्होंने केतकी देव का रोल किया था एक पॉपुलर इंडियन टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में, और ये टीवी सीरियल स्टार प्लस पर रिलीज हुआ था। जिन्होंने पहले नट्टू काका का रोल किया था उनका नाम है घनश्याम नायक और ये किरण भट्ट के सीनियर थे, और इन दोनों ने एक साथ काफी ज्यादा ड्रामा शोज भी किए थे। किरण भट्ट ने काफी ज्यादा गुजराती थिएटिकल प्रोडक्शन प्रोड्यूस और डायरेक्ट किए हैं। और 2022 में इन्होंने एक गुजराती प्ले सगपन तने साल मुबारक को डायरेक्ट किया था। तो अगर इनके मनी फैक्टर की बात करें तो आज के समय इनका टोटल नेटवर्थ है 2 करोड़ रुपए। और वहीं अगर इनके सैलरी की बात करें तो अपने एक एपिसोड में काम करने के लिए ये 70,000 रुपया चार्ज करते हैं। अगर इनके कास्ट कलेक्शन की तरफ देखें तो इनके पास एक ह्यूंडई कार है जिसकी कीमत है 20 लाख रुपए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।